The talented singer Sonu Nigam went bald post the reference to a West Bengal cleric's fatwa, offering rupees 10 lakhs to shave off Nigam's head, and here he is clarifying himself on the issue. Speaking to the media, Sonu said, चाहता तो मैं था कि आप लोगों को बुला के यहाँ पे इस बातें करनी पड़ी, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलता है कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद है जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। जब रोज़ रमज़ान होती है तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ, मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। मेरे घर में जब मेरे पैर में तकलीफ थी तो तलत अजीज़ जी ने आके मुझे मेरे घर पे इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज़ पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र करते। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। Speaking how everyone has a right to their opinion, he said, You never do this to a Muslim ki book se ghar ke samne aake main bolu hare ram ram, main ye nahi kar sakta, kyunki main samajhta hu ki unko isse koi sambandh nahi hai, they will not enjoy what means prayer to me does not mean prayer to them. To mera simple sa ye kehna tha ki hum itni thoda sa aapas mein ek considerate ho sakte hain ki पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। तो एज़ बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई आल्सो हैव द राइट टू माय ओपिनियन, डेयरिंग पीपल टू डू द सेम, ही सेड। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट, आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे, अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिक्सिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं बस सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो, दम है ना, तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ।